हरियाणा के रादौर में यमुना नदी के घाटों पर खनन ठेकेदारों की मनमानी जारी है। यहां खनन ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन में भी नियमों की अवहेलना कर नदी में खनन का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये कार्य प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है, तभी खनन ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद है। दूसरी ओर खनन सामग्री से लदे ओवरलोड वाहन जहाँ लोगों की जिंदगी लील रहे हैं, वहीं इससे सड़कों की हालत भी खस्ता हो चुकी है। जब इस बारे में हमारी टीम ने रादौर एसडीएम से बात करनी चाही तो उन्होंने इस विषय में बोलने से मना कर दिया, जिससे कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चूंकि एक जिम्मेदार अधिकारी जब ऐसे मामले पर बोलने से बच रहा है तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि नियमों को ताक पर रखकर खनन किए जाने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। रादौर में यमुना नदी पर खनन ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद है कि अब वे दिन में भी नियमों के विपरीत खनन करने से बाज नहीं आ रहे। हमारी टीम ने जब यमुना नदी क्षेत्र के खनन घाटों का दौरा किया तो यहाँ पर ना केवल यमुना नदी की प्राकृतिक धारा को मोड़ खनन किया जा रहा था, बल्कि चलते पानी में भी खनन का कार्य बिना बेरोक टोक के किया जा रहा था। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि जब यहाँ पर खनन के घाटों को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी तो लगा था कि अब यहाँ लोगों के लिए भी रोजगार के कुछ अवसर मिलेंगे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि खनन ठेकेदार नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाएंगे। वहीं रादौर के कांग्रेसी विधायक बिशनलाल सैनी ने अवैध खनन व ओवरलोड पर सरकार व प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। रादौर विधायक ने कहा कि अगर अधिकारियों की संलिप्तता मिली तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। रादौर से संवाददाता कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। लगता है कि मेरे पीछे किस तरह से पोकलाइन मशीनें धड़ाधड़ यमुना नदी का सीना चीर कर खनन कर रही हैं, और इन खनन ठेकेदारों ने यमुना नदी की प्राकृतिक धारा को मोड़ने का कार्य किया है। दिन रात सड़कों पर ओवरलोड चल रहे हैं। कुछ अधिकारी कहते हैं कि यहाँ पर ओवरलोड नहीं है, अवैध माइनिंग नहीं है। मैं उन अधिकारियों को पूछता हूँ कि वो मौका पर आएँ, वीडियोग्राफी में जांच करें, और जो क्षेत्र के शिकायत करते हैं उनको साथ लेकर के जांच करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार और भारत सरकार को बताना चाहता हूँ कि जिला यमुनानगर के अंदर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की बदौलत ये जिला जो है अवैध माइनिंग और ओवरलोड की भेंट चढ़ चुका है, और इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और मिलीभगत अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जहां जो ये अवैध कार्य करते हैं, जो ओवरलोड का कार्य करते हैं, जो रैकी ग्रुप बनाकर रैकी करते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। कितनी बार मैं इसके बारे में अधिकारियों को भी मिल चुका हूं, ऊपर चिट्ठियां लिख चुका हूं, आंदोलन भी हम कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी किसी के भी कान पर जूं नहीं रेंगती। एक प्रकार से यमुना मैया को जो उसकी दुर्गति हो रही है, उसको जो उजाड़ा जा रहा है, जगह जगह माइनिंग हो रही है, अगर वहाँ देखा जाए जाके तो बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। आज चारों तरफ से यमुना को लूटने पे लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि लूटने पे लगे हुए हैं। इसका दोषी कौन है? और यमुना के प्रवाह को चेंज कर देते हैं, पानी को चेंज कर देते हैं, टेम्परेरी पुल बना लेते हैं अपने आप। कोई शिकायत करो, कोई वहाँ देखने तक भी नहीं जाता। जब शिकायत करते हैं कोई देखने तक भी नहीं जाता, इसका दोषी कौन है? दोषी तो जिले का प्रशासन है। जिले का प्रशासन के अंदर जो बड़े अफसर बैठे हैं वही दोषी हैं। क्या इसमें कोई राजनीति तो है ही है? इसमें राजनीति तो है ही है। लगातार जो है ना इसको यमुना को लूट रहे हैं, और ये इसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं और इसमें राजनीति वाले मिनिस्टर भी मिले हुए हैं, इसको लूटा जा रहा है। राजनीति से कौन कौन शामिल हैं इसमें राजनीति में जो भी यहाँ के मिनिस्टर बैठे हैं वो शामिल हैं, और कौन शामिल हो सकता है? बीजेपी के कौन कौन से नेता ऐसे हैं जो इस ऐसे छोटे मोटे नेताओं के हाथ कुछ नहीं चल रहा है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो बेचारे बस वो भी ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे बोल बोल के थक गए, वो भी चाहते वो भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, उनका आपको भी पता है कि वो पैसा खा रहे हैं और यमुना को लूटा जा रहा है, और इतना बुरी तरह से लूटा जा रहा है कि एक एक दिन में कई कई 100 करोड़ रुपये का जो रेत और बजरी जो है वो अवैध माइनिंग के जरिए जा रही है और ओवरलोडिंग के जरिए जा रही है। ओवरलोडिंग को माफिया चला रहे हैं। माफिया बताते हैं कि भी कौन से रास्ते से जाना है, कौन से नहीं जाना है,
उनका रास्ता माफिया माफिया तय करता है और कितने ट्रक निकलने हैं वो माफिया तय करता है। एक प्रकार से सारे मिलजुल करके ये जो लोग हैं ये लूटने पे खड़े हैं, अगर कोई आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। ओवरलोड की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जब संबंधित जो अधिकारी हैं लोकल उनसे बात की जाती है, उनका पक्ष जानने की बात की जाती है, तो वो इससे बचते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार की कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई। अगर कोई इस प्रकार की समस्या हमारे सामने आएगी उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, चाहे ओवरलोडेड का मामला है चाहे इलीगल माइनिंग का मामला है। उसके सर जैसे अधिकारियों का अगर पक्ष लेना चाहते हैं तो आप अधिकारी इसमें पक्ष लेना नहीं चाहते? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ध्यान में आई, अगर कोई अधिकारी भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा एक मिनट नहीं लगेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.